चाकू में कोई अंतर नहीं, चाकू वही की वही। एक तरीका आपको और हमको मालूम पड़ गया कि शंकर भगवान को अब तारकासुर कम लगा, तारकासुर के मन में आ गया, तारकासुर ने विचार करा, तारकासुर की चित्तवृत्ति में आया, तारकासुर के मन में आया, तारकासुर ने ये विचार करा कि मैं मांगू तो भोलेनाथ जी के लिए मांगू, अपने लिए तो मरना तो है, मृत्यु के समय पर भी अगर मैं अपने लिए मांगूंगा तो ठीक किया, अगर मैं मांगू तो मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव के लिए मांगू। और तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, मुझे वर दे दो शिव जी का जो पुत्र होगा, शंकर भगवान का जो पुत्र होगा वही मेरे प्राणों को हरेगा, आप मुझे ये वर दो कि शंकर भगवान का पुत्र मेरे प्राणों को हरे, ये मुझे वर दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तारकासुर शंकर भगवान से इतना स्नेह करता था कि उनकी शादी कराना चाहता था कि सती मैया चली गई और सती मैया के जाने के बाद शंकर भगवान अकेले हो गए, सती मैया के जाने के बाद भोलेनाथ जी अकेले हो गए, इनका विवाह होना जरूरी है, अगर विवाह हो गया तो मैं मरने से पहले एक अच्छा काम करके चले जाए। जितने यहां बैठे हो अपने भीतर आप भी एक संकल्प बना कर, हम तो चले जाएंगे, हमारे तो प्राण छूट जाएंगे, हमारे बाद में हमारे बच्चों को, हमारे बाद में हमारी बहुओं को, हमारे बाद में हमारी बेटियों को, हमारे बाद में हमारे परिवार को कौन संभाले। तो अपने बच्चों को एक संस्कार देकर जाओ, अपने बच्चों को ज्ञान देकर जाओ कि तुम्हें एक लोटा जल लेकर महादेव के चरणों में जाना है, शिव जी को जल चढ़ाना है, अगर तुम्हारे साथ में कोई नहीं खड़ा होगा तो यह पक्का है तुम्हारे साथ में देवाधिदेव महादेव जरूर खड़ा। अपने बच्चों को ये संस्कार दीजिए, अपने बच्चे को ये ज्ञान दीजिए कि कोई ना खड़ा होगा पर देवाधिदेव महादेव खड़ा होगा, पक्का है तुम्हारे साथ में वो खड़ा होगा। इस पंडाल में एक बच्चा बैठा है।